जय हो श्री कृष्ण भगवान। 18वें अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियमे च शब्दादीन् विषयांस्तत्वा रागद्वेषो युधिष्ठिरः विवक्त से विलघवासी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, ना शोचते न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं दर्वते परम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्तया माम भी जानाति यावन्नश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और मैं जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय है मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन विनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जय हो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्प्र है बुद्धि योग मुपाश्रित मच्चित है सततम भव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्रायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित है सर्वदुर्गाणि मत प्रसाद आतरिष्यसि अथ चेतवहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यद अहंकार माश्रित ना आयोच इति मन्यसे मिथ्याम वसायस्ते प्रकृति नियोक्षति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध है स्वेन कर्मण कर्तु नेच्छसी जन यन्मोत कारिष्यसी शोपी तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर है सर्व भूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वति। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यत दशेषेण यच्छे यथेच्छा छसी तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है, तो अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतम भूय है श्रेणु में परम वच है इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं तः सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नाथ पुस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशु शुश्रुवे वाच्यम ना च माम यो अभ्यसुयति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुझे है गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यम परमम गुह्यम मद भक्ते शव भी धास्यति भक्तिम मई परम कृत्वा मामे वैश्य तय संशय है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतिमः भविता ना च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च इमं धर्मं सम्मादमा व्योहो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट है श्यामीति मे मति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान सुयश्च श्रीणु यादपि यो नर है सोपि मुक्त है शुभा लोकान प्राप्नु यात पुण्य कर्मणा। महाप्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कच्ची दे श्रुतम पाठत्व कै त्वय काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह है प्रनष्ट ते घनंज। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त श्रवण किया, और हे धनंजय,
क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन वाच, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा प्रसादान मैच्युत स्थितोऽस्मि गत्संदेह कृष्ये वचनतम। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संचरित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय वाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद में श्रोष मद्भुतम रोम हर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण भगवान के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादा श्रुतवाने गुह्य महम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत सव्यम। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिद्भुत केशवर वर्जुन हाँ पुण्यम हर्ष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। संजय बोले, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र शरीर विजय भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर में मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचर नीति है, ऐसा मेरा मत है। अधर्म अध्याय समाप्त। जय हो श्री हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने यह भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सदमार्ग पर चलें। जय हो श्री कृष्ण।